फोन तो एकदम बहुत बच्चा ये परेशान करती है बाबा जी, देखना ही देखना है, बिना फोन देखे खाना नहीं खाती है। आप फोन दीजिए, अभी पूछ रहे थे तुम, नहीं बोल रहे नहीं लेंगे। दीजिए फोन, देखो चलाएंगे, पकड़ाओ उनको, ये देखिए, दीजिए दीजिए तो फोन दो, ले लो, ये देखो ऐसे फेंकेंगी फोन आपका, फेंका समझ गए, ये आपका दरबार है, जो कहता वही होता है, जो होता है वही कहता है। ऐसा दरबार हमें जिंदगी में अब कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा ही इतना दिव्य दरबार है। खुश रहो बेटा, सब अच्छा अच्छा होना है दरबार में, बहुत खुश है यहाँ आके। बाबा जी हमने संकल्प, मैंने संकल्प किया था और मैंने पुत्र की कामना की थी और मुझे पुत्र मिल भी गया। खुश रहो बेटा। बाबा ये एक साल का होने जा रहा है, इसका नामकरण कर दीजिए। बाबा की ओर से इनका जो नाम है वो सूर्यांश। सूर्यांश गुरुजी को प्रणाम। खुश है बेटा। बिहार से हम, मेरे डीएनए में चार लोग हैं, चारों यहाँ उपस्थित हैं। खुश हो बेटा, क्या लग रहा है? गुरुजी मेरे शरीर में 6 महीने से लगभग खून में पता नहीं क्या गंदगी है, कि फुंसी होती है एक जगह से, फिर दूसरी जगह हो जाती है, फिर तीसरी जगह हो जाती है, और शरीर में बहुत ऐसा अस्वस्थ सा लेजीनेस, बहुत कमजोरी सी लगती है, काम में मन नहीं लगता। वो समाप्त हुआ सर, आप देखिए क्या क्या था, इसके साथ कितनी चीजें थी गंदी जो सब नष्ट हुई। हाथों में घाव बन रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, ब्लड में इन्फेक्शन था, एसिडिटी होना, कूल्हे में गलन हो रही थी, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कब्ज की स्मृतियां थी, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, यूरेटर में सूजन था, लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, कार्य से अरुचि की स्मृतियां थी, शरीर में सूजन, पौरुष ग्रंथि में घाव बन रहा था और सूजन, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, पैरों में कमजोरी आ रही थी, पेशाब से वीर्य जाना, कैंसर की स्मृतियां थी, किडनी में, कोलोन में, लीवर में, श्वास नली में और रक्त में। और गुरुजी बहुत, मैं तो अब हल्का महसूस कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और देख लो फिर चर्चा करते। बुद्धि बंदी रहती थी, गलत निर्णय लेने वाली स्मृति थी, ओसीडी की स्मृति थी, गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का मन करना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृति थी, कार्य से उच्चाटन कराने वाली स्मृति थी, सर्वाइकल के पास ट्यूमर बन रहा था, मुंह में घाव बनने वाली स्मृति थी, हार्ट अटैक की स्मृति थी और श्वास नली चिपकती जा रही थी। एकदम सत्य है गुरु जी, एकदम सत्य है, आपने तो हूबहू एकदम जो मेरे साथ होता है वो सब लिख दिया। यस बेटा, और ये सब चीजें जो लिखा गया, अर्थात ये सब स्मृतियां नष्ट की गई आपकी, हाँ जी, इनमें तमाम चीजें ऐसी रहती हैं जो आगे रहती हैं, कुछ पीछे आभास होता रहता है, यानी स्मृतियां धीरे धीरे वो बढ़ती रहती, तो आदमी एक का इलाज करके निवृत्त नहीं होता, दूसरी समस्या आ जाती है जी, है ना ऐसे बेटा। तो ये सब नष्ट हुई हैं, जो इसमें कुछ असाध्य रोग भी हैं उनकी स्मृतियां हैं, तो कल आप महावन जप करेंगे तो दरबार की ओर से वो भी सब नष्ट होगी, असाध्य स्मृतियां, ठीक है जी गुरु जी। और मेरे कमर में बहुत, अब कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, आप चेक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। चलिए फिर ये आगे स्ट्रेस करिए, लेफ्ट राइट करिए, स्ट्रेट आगे जमीन छुइए, पीछे स्ट्रेस, सब करिए, जो नहीं कर सकते तो सब कुछ करिए, सारा कुछ, एवरीथिंग। अब आप एकदम नौजवान की तरह, बच्चे की तरह हो गए, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। ये सब गए बेटा, नहीं डॉक्टर साहब लोग जो है सीधे सर्जरी बताते हैं, क्योंकि कूल्हे में आपके गलन हो रही थी, इसमें लिखा हुआ है ऊपर से, ये लिखा है, रिंग किया है, कूल्हे में गलन होना, तो डॉक्टर साहब बाद में कहते कूल्हा बदलना है। ये सब स्मृतियां तक नष्ट हुई, स्मृति नष्ट मतलब रोग की जड़ नष्ट, यानी आपने पेड़ को नीचे जड़ से उखाड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। कि रोग समस्या नहीं है, समस्या रोग का कारण है, रोग का कारण स्मृति है, स्मृति मतलब कर्मों की स्मृति, हमारे कर्म भोग है, तो वो जड़, फिर बीज है, बीज से वृक्ष है, वृक्ष से फल फूल दिखाई देते हैं रोग के रूप में, तो सब बहुत खुश हो, खूब प्रसन्न हो, मस्त। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। मुझे थायराइड हो गया है गुरुदेव। देखिए क्या क्या था तो हम बताते हैं आपको क्या क्या नष्ट हुआ।
यही तो है, डॉक्टर साहब लोग क्या करते हैं, ऐसा घुमाते रहते हैं डॉक्टर साहब लोग, आपको थायराइड है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, आपका शुगर है, पूरा नाटक इतने चलता है, बीपी शुगर और थायराइड, इसी पे आपको गोल गोल नचाते हुए आपका रिकरिंग खाता खोल देते हैं और फिर कहते हैं जिंदगी भर खाना है, चाहे शुगर की दवा हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, बीपी की हो, और चाहे आपकी थायराइड की हो, बंदर बांट, अभी भटक बढ़ गया, अरे अभी घट गया, अरे फिर बढ़ गया, अरे फिर घट गया, बस यही करते रहते हैं। अरे आदमी है, जैसे मानसिक उसका विचार होता है वैसे चीजें घटती बढ़ती रहती है, हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे घटता बढ़ता है, हैं? हमारे अंदर जो सेक्रेशन है ग्लैंड्स का, जब उसका इम्बैलेंस है तो घटता बढ़ता है, हमारे कार्यों से, हमारी सोच विचार से चीजें घटती बढ़ती, ब्लड प्रेशर हमारी सोच से घटता बढ़ता है, शुगर हमारी तनाव से घटती बढ़ती है, विचार से ही है, ऐसे ही हमारा थायराइड इम्बैलेंस, तो ये सब चीजें तो दिन भर में कई बार घटती बढ़ती है, ये बेटा ये सब इनका सर्कस है, इस सर्कस को दुनिया धीरे धीरे जान रही है, कुछ चीजें हैं जो जिनमें लोग फंसे हुए हैं, जल्दी बाहर आएंगे, 10-20 साल लगेगा, ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई भी थायराइड नहीं है, ठीक है, देखिए क्या है और क्या नष्ट किया दरबार में, कंधों में दर्द रहना, आंखों में भारीपन रहना, गले में सूजन थी, पसलियों में जकड़न होना, रात में नींद ना आना, श्वास लेने में कष्ट होना, अपच की स्मृतियां थी, गुदा द्वार में सूजन था, गर्भाशय में सूजन, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द और जकड़न होना, घुटनों में दर्द होना, शरीर में कमजोरी रहना, उल्टी जैसी भावना बने रहना, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो रही थी, पैर की पिंडलियों में दर्द व सूजन रहना, मासिक अनियमित रहना, रक्त दूषित हो रहा था, कैंसर की स्मृतियां थी, कोलोन में, ब्रेस्ट में, ओवरी में और रक्त में, बिल्कुल सत्य है, इनमें दरबार ने बहुत कुछ नष्ट किया, ऐसे यूट्रस तो कैसे खराब हो गया, ओवरी यूट्रस में फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, फिलिपियन ट्यूब चिपक गई थी, ओवरी में इन्फेक्शन था और यूरेथ्रा में सूजन आ रही थी, गुरुदेव ये मेरे दोनों बच्चे हैं, इसको बहुत 105 बुखार होता है बाबू, आप ही की समस्या से ये परेशान है, और इसको एक महीने में दो दो बार इसको बढ़ गया है, बच्चे को पीलिया हो जाता है, आप लोगों की समस्याओं से बच्चे पीड़ित होते थे, आप लोगों की स्मृतियों से ज्यादातर, पितरों की उपस्थिति से, मोह में, हां खाना नहीं खाते हैं दोनों, बिल्कुल आपको वैसे ही था ना, आपको भी वैसे ही था ना, एक ही चीज, फोन तो एकदम बहुत बच्चा ये परेशान करती बाबा जी, देखना ही देखना है, बिना फोन देखे खाना नहीं खाती है, आप फोन दीजिए, दीजिए फोन, अभी पूछ रहे थे तुम, नहीं बोल रहे नहीं, अब दीजिए फोन, देखो चलाएंगे, लो फोन चलाओ, दीजिए हाथ में, पकड़ाओ उनको, ये देखिए, दीजिए दीजिए तो फोन दो, ले लो, ये देखो ऐसे फेंकेंगी फोन आपका, फेंका समझ गए, ये आपका दरबार है, जो कहता वही होता है, जो होता है वही कहता है, ऐसा दरबार हमें जिंदगी में अब कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा ही इतना दिव्य दरबार है बाबा, खुश हो बेटा, सब अच्छा अच्छा होना है दरबार में, बहुत खुश है यहाँ आके, बहुत खुश है, खूब खुश हो, बच्चों में देखिए ये चीजें आती थी आपसे, देखिए चार चीजें खासतौर से, और पिता से ये चार चीजें जा रही थी बच्चों में, अभी दिखाते हैं, पहले वो चार देखिए, पसलियों में जकड़न होना, श्वास लेने में कष्ट होना, अपच की स्मृतियां थी और उल्टी जैसी भावना बने रहना, ये बच्चों में आपसे, और पिता से क्या जा रहा था ये देखिए, स्मृतियों का ही खेल है संसार में, कुछ नहीं, कूल्हे में गलन हो रही थी, कब्ज की स्मृतियां थी, शरीर में सूजन था, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी और लीवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, जी बाबा जी, बाबा जी हमने संकल्प, मैंने संकल्प किया था और मैंने पुत्र की कामना की थी और मुझे पुत्र मिल भी गया बाबा, ये एक साल का होने जा रहा है, इसका नामकरण कर दीजिए, अच्छा जरा दिखाया जाए भाई इनको, जरा सामने से जरा, ओहो बाबा की ओर से इनका जो नाम है वो सूर्यांश, सूर्यांश प्रसाद दिया जाए भाई, जरा इनको श्रीमान जी को मिष्ठान दिया जाए, खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद बाबा जी, जय हो करौली शंकर महादेव, खुश रहो बेटा, हरि हरि, प्रसन्न रहिए, खुश रहो, बाबा जी जय हो।
बाबा महावन करना, हाँ करना है आप लोगों को, आप ना दोनों लोग और ये एक बच्चे को, हम कौन करेगा महावन? मैं करूंगा बाबा। आप करोगे जी, तो हम चारों धर्म, आपकी धर्म पत्नी आंखें बंद करें अकेले दरबार की ओर से कोई किसी महावन को फूल खिला सक्रिय करिए। सात बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के सात बार वंदन कीजिए। आप हवन करेंगे स्वयं और दोनों बच्चों का संकल्प लेके आप करिएगा अपने साथ, तीन लोग हो जाएंगे। धर्म पत्नी जी के पास आपके पास है कुंड, ये यहाँ खड़े होकर संकल्प कर लेंगे आज। ठीक है? ठीक है बाबा जी, खुश हो। धन्यवाद बाबा जी, कोटि कोटि नमन। प्रसन्न हो गया, मस्त खुश हो।